हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्टोफोटोमीटर की एक्टिविटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्टोफोटोमीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्टोफोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी एनिमल की, खासकर माइस या रैट की एक्टिविटी को फोटो के सेंस के द्वारा ये पता लगा सकता है कि उसका इसके अंदर मूवमेंट कितना हुआ। बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है और वैसे ही बहुत सिंपल इसका प्रिंसिपल भी है। देखिए, सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके पार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मेंस रीसेट शॉक ऑन ऑफ करने का और शॉक रेगुलेशन करने का एक बटन दिया हुआ है। फिर सामने एक मीटर लगा हुआ है, फिर एक काउंट डाउन के लिए एक डिजिटल काउंटर दिया हुआ है। इसका प्लग मैंने पावर प्लग से ऑन किया। जैसे ही आप इसको यहाँ से ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं इसमें लाइट जलना स्टार्ट हो चुका है। इस पर रीडिंग अभी ज़ीरो पे है, स्टॉप स्ट्रेंथ भी ज़ीरो पे है, मेंस चालू है। अब आप इसमें देखिए, इसके पार्ट्स के बारे में, बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है ये। इसका केज है, केज लीड को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। उठाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें 6 लाइट सोर्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। वैसे ही इस तरफ भी आप देखेंगे तो आपको इस तरफ भी इस लाइट सोर्स का दिखा हुआ मिलेगा। इस तरफ लाइट सोर्स रिसीव करने के लिए हैं, सामने वाले जो आप देख रहे हैं इधर, ये उसके सोर्स हैं। जैसे वो लाइट्स उस सोर्स से निकल करके सामने वाले सोर्स पर रिसीव करता है, इस वाले सोर्स पर रिसीव करता है, ये एक चैनल कंप्लीट होता है और ये काउंट डाउन ज़ीरो पे रहता है। मतलब जब तक वो लाइट वहाँ से निकल करके यहाँ तक पहुँचेगा, कोई भी काउंट डाउन नहीं होगा। जैसे ही इस लाइट के बीच में इंटरप्शन होगा, मतलब ये लाइट वहाँ से निकल करके अपने सोर्स से लेकर के रिसीवर तक नहीं पहुँचेगी, काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा। इसके एक तरफ लेफ्ट साइड में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है, लेफ्ट साइड में आप देखते हैं कि एक छोटा सा ट्रे है। बेसिकली इस ट्रे का कोई खास यूज़ नहीं है। जब इस एनिमल को इस पर रखा जाता है तो उसकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए ये कलेक्टिंग ट्रे यूज होता है। इसको हम क्लोज करते हैं, देखते हैं कि एक तरफ ये एलिवेटेड है। एलिवेटेड इसलिए है, एक तरफ उठा हुआ है, एक तरफ झुका हुआ है, जो आपको यहाँ से दिख रहा है। ये देखिए, मीज़र करेंगे तो आपको ये कर्व लेते हुए दिखेगा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूरिन जब उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में निकल करके आएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से वो नीचे स्लोप की हो जाएगा और उसको आप वहाँ से कलेक्ट करके ईजिली रिमूव आउट कर सकते हैं। इस रॉड नुमा स्ट्रक्चर पे करंट फ्लो होता है। जैसे ही आप ये शॉक का बटन यहाँ से ऑन करेंगे, इस पे हल्का सा करंट जो आप यहाँ पे सेट करते हैं, ये हल्का सा शॉक जितना आप इसको सेट करना चाहेंगे उतना शॉक इस पे जाएगा। ये उस कंडीशन के लिए है जब एनिमल बहुत ही आइडल स्टेट में आ जाता है, मूवमेंट शो नहीं करता, तब आप उसको मूवमेंट शो करने के लिए यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऑफ कर दीजिए करंट के शॉक को, एनिमल को इसके अंदर रखिए, ये कैज लीड लगाइए और ये स्टार्ट करिए प्रोसीजर को आपके एक्टिविटी के लिए।